हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास. ओके, तो दोस्तों अभी तक हमने जो यूनिट वन है आपका वो कंप्लीट कर लिया है. और यूनिट वन की अगर हम बात करें तो उसमें हमने पीपीसी, सेंट्रल प्रॉब्लम और आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सबका कंसेप्ट जो है पूरा किया. ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाता है, रैपअप हो जाता है. आइए अब हम मूव कर रहे हैं यूनिट टू की तरफ. और यूनिट टू हमारा है एक्चुअली कंज्यूमर्स बिहेवियर. क्या है? कंज्यूमर्स बिहेवियर. और आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर हमें तीन टॉपिक कवर करने हैं. पहला टॉपिक जो हम आज शुरू करेंगे, जो आप हेडिंग देख रहे हैं, दैट इज व्हाट? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. वो क्या है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. एक टॉपिक हम करेंगे क्या? डिमांड. और एक हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जैसे आज हम शुरू कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर दो पार्ट में है, एक यूटिलिटी और एक आईसी यानी कि इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, दो पार्ट में कवर होगा. एक है आपका यूटिलिटी और एक क्या है? इंडिफरेंस कर्व. जो पैटर्न रहेगा हमारा कवरेज का, उसमें हम आज पहले यूटिलिटी शुरू करेंगे, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी अप्रोच. और उसके बाद हम डिमांड करेंगे, उसके बाद हम इलास्टिक डिमांड करेंगे और एंड में जाएंगे हम इंडिफरेंस कर्व पर. उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं. उसका रीजन जस्ट इतना है कि इंडिफरेंस कर्व में दो तीन पॉइंट ऐसे हैं जिसमें डिमांड का थोड़ा इस्तेमाल होगा. ओके, तो जब तक हमें डिमांड नहीं आता तो उन पॉइंट्स में थोड़ी दिक्कत आ सकती है. तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो. तो हम पहले डिमांड कवर कर लेंगे और उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर जाएंगे. ओके, तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? यूटिलिटी अप्रोच. बाय द हेल्प ऑफ यूटिलिटी अप्रोच. आइए सबसे पहले तो टॉपिक को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या. व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज, ये जानना जरूरी है. ध्यान देंगे, मैं इसमें से कंज्यूमर वर्ड को हटा देता हूं और मैं सिर्फ बात कर रहा हूं किसकी? इक्विलिब्रियम वर्ड की. मैं किसकी बात कर रहा हूं? इक्विलिब्रियम वर्ड की. व्हाट इज इक्विलिब्रियम इज, याद रखिएगा. द टर्म इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब है बेस्ट सिचुएशन. क्या मतलब है? बेस्ट सिचुएशन. ठीक है, बेस्ट सिचुएशन मतलब कि अगर कोई भी इस लेवल पर पहुंच गया, मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इक्विलिब्रियम वर्ड की बात कर रहा हूं. अगर कोई भी किसी इस सिचुएशन में पहुंच गया कि वहां पर उसके लिए बेस्ट है, तो उसे कहा जाएगा क्या? इक्विलिब्रियम. अब कंज्यूमर के लिए वो हो सकता है सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर के लिए हो सकता है वो प्रॉफिट, फैमिली के लिए हो सकती है उसकी सेविंग्स, व्हाटएवर. तो यहां पर अगर हम बात करें कि इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या है, तो इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है बेस्ट सिचुएशन, बेस्ट पॉसिबल कंडीशन. ओके, अब इक्विलिब्रियम वर्ड के साथ मैंने क्या वर्ड जोड़ दिया? कंज्यूमर. क्या वर्ड जोड़ा मैंने? कंज्यूमर. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कंज्यूमर की बेस्ट सिचुएशन. व्हाट? कंज्यूमर की बेस्ट सिचुएशन. अब एक कंज्यूमर की बेस्ट सिचुएशन क्या होती है? आइए डेफिनेशन पर जाने से पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे. ध्यान देंगे भाई, मिस्टर ए है और मिस्टर ए के पास खर्च करने के लिए 100 रुपए. ओके, मिस्टर ए के पास खर्च करने के लिए 100 रुपए है. मिस्टर ए मार्केट जाते हैं और उन्हें दो कमोडिटी नजर आती है, कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई. जो एक्स है उसका प्राइस 10 रुपए है और वाई इज फॉर रुपीज 8. ठीक है, टेस्ट में, यूज में, क्वालिटी में जो एक्स और वाई है वो बिल्कुल एक जैसी है, काइंड ऑफ कोक एंड पेप्सी. पर्पस सेम है, क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, फर्क नहीं है. फर्क क्या है कि एक्स 10 रुपए का है और वाई कितना? 8 रुपए. अब बताइए जरा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, कि भाई मिस्टर ए इन दोनों में से किसका कंजम्पशन करेंगे? सर ऑब्वियस है कि मिस्टर ए किसका कंजम्पशन करेंगे? ठीक है, गुड वाई का. किसका कंजम्पशन करेंगे? गुड वाई का. कंडीशन यहां पर क्या निकल कर आ गई? ऑब्वियस है ना कि भाई जो कमोडिटी आपको सेम मिल रही है, सेम क्वालिटी है और उसमें कोई फर्क नहीं है, तो जो जहां पर उसका प्राइस कम है आप वहीं से परचेस करेंगे, आप वहीं से परचेस करेंगे. अगर मिस्टर ए 100 रुपए एक्स पर खर्च कर देते हैं तो कितनी? 10 यूनिट्स आएंगे. अगर मिस्टर ए स्पेंड कर देते हैं किस पर? वाई पर, तो 12.5 यूनिट्स आएंगे. तो ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स कहां पर आ रही हैं? वाई पर आ रही हैं. तो ऑब्वियसली मिस्टर ए जो है वो कंजम्पशन करेंगे किसका? वाई का. परचेस करेंगे इसको, वाई को. ओके, तो हम इस एग्जाम्पल के बिहाफ पर कह सकते हैं कि मिस्टर ए किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में. किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में, अपनी बेस्ट सिचुएशन में होंगे. जब वो कंज्यूम करेंगे, जब वो कंज्यूम करेंगे किसको? गुड वाई को. जब वो कंज्यूम करेंगे किसको? गुड वाई को.
इस एग्जाम्पल के बिहाव पर हमें सिर्फ तीन वर्ड याद रखने हैं और तीन वर्ड के बिहाव पर ही, उन तीन वर्ड के बिहाव पर ही हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बना देंगे. और वो क्या है, और वो क्या है, ए कौन है, ए है कंज्यूमर. ए कौन है, ए है कंज्यूमर. ये 100 रुपीज क्या है, ये है उनकी इनकम जो उन्हें स्पेंड करनी है. और इसमें से उन्होंने किसको कंज्यूम करा, वाई को. क्यों, वहां पर उन्हें मिलने वाला है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. वहां पर उन्हें क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. दोस्तों तो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो गई एग्जाम्पल के हिसाब से, होप आपने नोट भी किया होगा. यहां पर कंडीशन क्या निकल कर आई, यहां पर कंडीशन क्या निकल कर आई कि इस सिचुएशन में कंज्यूमर अपनी इनकम को, कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से स्पेंड कर रहा है कि उसे क्या रिसीव हो रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. क्या रिसीव हो रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. मैं रिपीट कर देता हूं, कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से स्पेंड कर रहा है कि उसे मिल रहा है क्या, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. उसे बोला जाएगा क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं इन तीन वर्ड्स के बिहाफ पर. इसको हटा दिया जाता है. व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अ कंज्यूमर, राइट डाउन, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम. A consumer is in equilibrium when he gets maximum satisfaction from his given income. From his given income. अपनी इनकम को कंज्यूमर इस तरीके से स्पेंड कर रहा है कि उसे उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव हो रहा है, उसे हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ठीक है. अच्छा एक वर्ड और इसमें लिख लेते हैं. फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिटरमिनेशन, फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिटरमिनेशन, कंज्यूमर must be rational. Consumer must be what? Rational. Sir, इसका मतलब क्या, रैशनल का मतलब क्या निकल कर आया, ध्यान देंगे. इसका मतलब है दोस्तों कि अगर कभी भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, कि हम पता लगाएं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, तो याद रखिएगा उसमें कंज्यूमर का टारगेट हमेशा यह होना चाहिए. कंज्यूमर का टारगेट हमेशा, इसी एग्जाम्पल में अगर मिस्टर ए क्या कहते हैं, कंज्यूम करते एक्स गुड को. किसको कंज्यूम करते हैं, एक्स गुड को. तो ऑब्वियसली उन्हें गुड्स मिल गई, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी. लेकिन उस सिचुएशन में उनका बिहेवियर रैशनल नहीं था, मतलब वो टारगेट लेकर ही नहीं चल रहे थे कि उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करना है. ओके तो उसका, उनका बिहेवियर रैशनल नहीं था. तो रैशनल बिहेवियर का मतलब क्या है कि कंज्यूमर का टारगेट होगा हमेशा कि उसे अपने इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करना है. ओके क्लियर, ये दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, रैशनल. तो हमने डेफिनेशन देखी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की. एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो अपनी इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करता है. ओके अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे आते हैं इस चैप्टर में जो अप्रोच हम यूज करने वाले हैं, एंड दैट इज व्हाट यूटिलिटी. ये यूटिलिटी क्या है, व्हाट इज यूटिलिटी, इज ध्यान देंगे. देखो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपकी हाइट कितनी है, तो आप बोलेंगे इतने फीट्स. आपका वेट कितना है, इतने केजी. आपके घर से स्कूल कितनी दूर है, इतने किलोमीटर. तो कहने का मतलब हर एक पर्टिकुलर चीज को हमने मेजर करने के लिए कोई यूनिट बनाई हुई है. भाई वेट को हम केजी में डिनोट कर रहे हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर्स में, हाइट को फीट्स में. ओके ठीक उसी तरीके से अगर हम किसी भी चीज का कंजम्पशन करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन. ओके सेटिस्फेक्शन मिलता है, बिल्कुल ठीक है. अब अगली कंडीशन, अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है तो ऑब्वियसली उसे मेजर करने के लिए भी हमने एक टर्म बनाई हुई है, और उसी टर्म का क्या नाम है, उसी टर्म का नाम है यूटिलिटी. गॉट इट. अगर हम किसी भी चीज को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, और उस सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए जो टर्म हमने बनाई हुई है, उसी टर्म का नाम है क्या, यूटिलिटी. भाई आपको भूख लगी थी, आपने खाना खाया, आपको सेटिस्फेक्शन मिला,
कितने का सेटिस्फेक्शन जी, इतने यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन। प्यास लगी थी, पानी पिया, पानी पीने से सेटिस्फेक्शन मिला, कितना सेटिस्फेक्शन, इतने यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन। तो जस्ट उसको एक मेजर करने के लिए, सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए हमने एक टर्म बनाई हुई है। गॉट इट? तो यूटिलिटी की अगर हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, तो क्या बनेगी, यूटिलिटी इज मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी इज मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ओके, तो इसमें मेन चीज क्या है, इसमें मेन चीज है मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये लाइन मेन है, मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि अगर हम किसी भी चीज को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए हमने एक टर्म बनाई हुई है। ओके, अच्छा, इसकी कुछ जरूरी चीजें हैं, जरूरी पार्ट है, दो पार्ट हम इसमें समझेंगे। वो क्या है, एक टर्म जो हम यूज करेंगे दैट इज टोटल यूटिलिटी, एक क्या है टोटल यूटिलिटी, और एक क्या है मार्जिनल यूटिलिटी। एक क्या है टोटल यूटिलिटी और एक क्या है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। ये दोनों क्या होती हैं इस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, इसका एक काम करते हैं, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं और दोनों की जब रिलेशनशिप की बारी आएगी तब उसको समझेंगे, दोनों की रिलेशनशिप जब है तब देखा जाएगा। तो पहले टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन, टी यू इज सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज derived from consumption of all units of a particular commodity। ओके, इसमें इंडलाइन कर लीजिएगा, सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज, ठीक है। मीनिंग क्या, भी समझेंगे इसको। और MU में आते हैं, MU is चेंज इन TU, टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। और इसमें लाइन करने का क्या, चेंज इन टी यू, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन हमने लिख ली है। टोटल यूटिलिटी, मैं रिपीट कर देता हूं, टोटल यूटिलिटी इज व्हाट, सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के यूनिट्स के कंजम्पशन से जो सारा सेटिस्फेक्शन मिला है, ऑल यूटिलिटीज, उनको जोड़ दीजिए। MU क्या है, MU इज चेंज इन TU, टोटल यूटिलिटी में आने वाला चेंज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द कम्युनिटी। ओके, तो ये हमने डेफिनेशन यहां पर लिखी। आइए इन दोनों का मतलब क्या है वो हम समझेंगे, और दोनों की जो मीनिंग है वो हम रिलेशनशिप की हेल्प से समझेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की, तो बेसिकली है क्या, ध्यान देंगे। देखो, अगर मैं आपको सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूं, यूटिलिटी की बात कर रहा हूं, तो पूरा का पूरा बिहेवियर किससे रिलेटेड है, कंजम्पशन को लेकर, किससे रिलेटेड है, कंजम्पशन को लेकर। तो यहां पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को हम कंजम्पशन की हेल्प से समझेंगे, ध्यान देंगे। यहां पर मैंने एज्यूम कर ली यूनिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये यूनिट्स आ गई, ठीक है। यूनिट्स किसकी, कमोडिटी की जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, सपोज चपाती, ठीक है, हम घर में बैठे हैं, भूख लगी है, हमें चपाती खानी है, और ये मैंने चपाती की यूनिट्स लिखी हैं जो वन बाय वन हम खाएंगे, ठीक है। इधर क्या, टोटल यूटिलिटी, यहां पर क्या आएगा, टोटल यूटिलिटी, इधर क्या आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, ध्यान देंगे। पहले टोटल की बात करते हैं। भाई आपको बहुत जोरों से भूख लगी है,
और आपने सीधी सी बात है एक चपाती कंज्यूम करी, फर्स्ट चपाती आपने कंज्यूम करी, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला 10 यूटिल्स का 10 यूटिलिटी का, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला 10 यूटिल्स का 10 यूटिलिटीज का। ठीक है, अच्छा सर 10 कहां से आया? देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जस्ट एक इमेजिन है। ठीक है, मतलब आप अपने साइकोलॉजिकल नेचर से एज्यूम कर लेंगे कि अगर आप एक चपाती कंज्यूम करते हो तो आपको उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, जस्ट ऐसे ही नॉर्मली। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने एज्यूम कर लिया कि एक चपाती खाने से 10 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या एक चपाती कंज्यूम करने से आपकी भूख मिट गई? सर ऐसे कैसे, अभी थोड़ी ना इतनी जल्दी, सर दूसरी चपाती भी खाएंगे। आपने दूसरी चपाती कंज्यूम करी, ठीक है, उससे सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल कहां तक पहुंच गया? 18 कहां तक पहुंच गया, सेटिस्फेक्शन का लेवल और मिला। अब क्या दो चपाती खाने से आपकी भूख मिट गई? अरे सर ऐसे कैसे, अभी थोड़ी ना, अभी तो एक और चपाती खाएंगे। आपने एक और चपाती खाई और आपका सेटिस्फेक्शन और बढ़ गया, और लेवल पर चला गया 22। क्या तीन चपाती खाने से आपकी भूख मिट गई? सर बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे। अब यहां पर आपने एक चपाती और कंज्यूम करी और लेवल कहां पहुंच गया? 25 कहां पहुंच गया? 25। क्या चार चपाती खाने से आपकी भूख मिट गई? नहीं सर, अरे बस करो भाई, कितना खाओगे फट जाओगे। चार चपाती खाने से भूख मिट गई भाई, सीधी सी बात है। ओके, 25 पर हमारी नीड पूरी होगी दोस्तों। ठीक है, अब लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम हमारे सभी के घरों में होती है ना नॉर्मल, कि अगर बच्चे का वजन 100 किलो भी है तो भी मम्मी को वो कमजोर नजर आता है ना। तो मम्मी ने, जैसे हमने बोला भाई पेट भर गया, मम्मी ने जबरदस्ती एक रोटी हमें और खिला दी कि नहीं कमजोर होता जा रहा है, एक रोटी और खा, चपाती और खा, तो अब क्या मेरे सेटिस्फेक्शन में चेंज आएगा? नहीं भाई, मुझे चार चपाती के कंजम्पशन की जरूरत थी, वो मैं अचीव कर चुका हूँ, वो मैं क्या कहते हैं, वो लेवल मैंने अचीव कर लिया है। उसके बाद भी मैंने एक और चपाती अगर जबरदस्ती कंज्यूम करी है, एक और चपाती जबरदस्ती कंज्यूम करी है, तो उससे ऑब्वियस है मेरे सेटिस्फेक्शन पर असर नहीं पड़ने वाला। ओके, तो अगली चपाती कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो 25 ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब आगे अगली कंडीशन, नेक्स्ट, जैसे मम्मी वैसे ही पापा, है ना, पापा आ गए इतनी देर में, यार तो हमारे साथ तो खाना खाते नहीं कभी, जबरदस्ती पापा ने बैठा के एक चपाती और कंज्यूम करवा दी। अब यहां पर क्या लिखा जाएगा? 22 कम, यस सर। भाई यहां पर अगर सिचुएशन देखें, एक पर्टिकुलर लेवल, ध्यान से सुनिएगा, एक पर्टिकुलर लेवल जो आपको अपने कंजम्पशन के लिए चाहिए, अपने कंजम्पशन के लिए चाहिए, ठीक है, उस सिचुएशन की अगर हम बात करें वो आपने अचीव कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप जबरदस्ती कंजम्पशन कर रहे हैं, जबरदस्ती कंजम्पशन करते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन में आपका सेटिस्फेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा डिससेटिस्फेक्शन में। नॉर्मली देखा होगा ना, जब भी हम कोई चीज लिमिट से ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, लिमिट से ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, तो ऑब्वियस है उस सिचुएशन में हमारा सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन में बदल जाता है। ओके, ये हमने कंसेप्ट डिस्कस करा किसका? टोटल यूटिलिटी का। ये क्या? दैट इज व्हाट टोटल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या है? कि कोई भी चीज अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसके सारे सेटिस्फेक्शन को जोड़ते जाओ। ये क्या लिखा है? 10 कितनी चपाती से? 1 चपाती कंज्यूम करने से। ये क्या लिखा है? 18 कितनी चपाती? 2। ये दो है, दो नहीं है, ये दोनों है। ठीक है, दोनों चपाती से जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिला वो क्या हुआ आपका? टोटल यूटिलिटी। ये 22 तीन से नहीं, तीनों सेटिस्फेक्शन, तीनों कमोडिटी को कंज्यूम करने से। तो हर चपाती से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है सबको जोड़ते जाओ, वो क्या बन जाता है? टोटल सेटिस्फेक्शन, वो बन जाता है टोटल यूटिलिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? ये क्या है? अगर हम एमयू की बात करें, अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें, तो डेफिनेशन में मैंने लिखा था क्या? चेंज इन टीयू, टोटल यूटिलिटी में आने वाला चेंज, टोटल यूटिलिटी में आने वाला परिवर्तन। अब ये क्या है जरा समझ लेते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। मार्जिनल यूटिलिटी भाई देखो, पहली चपाती से आपको कितने का सेटिस्फेक्शन मिला? पहली चपाती से सेटिस्फेक्शन मिला 10 यूटिल्स का, तो मैंने यहां पे कितना लिख दिया? 10। यहां पर कितना लिख दिया? 10। दो चपाती कंज्यूम करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिला कितने का? 18 का। अगर पहली चपाती से 10 मिल चुका है तो दूसरे वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 8। तो यहां पर आएगा 8। दोनों से नहीं, सिर्फ दूसरी से कितना मिला? तो वो 8 का मिला, क्योंकि 10 ऑलरेडी पहले वाला दे चुकी थी। थर्ड पर हमारा सेटिस्फेक्शन 22 तक पहुंच गया, तो थर्ड यूनिट के कंजम्पशन से कितने का चेंज आया? 3, 4 का।
फिर कितने का आया 3 का, फिर कितने का आया 0, फिर कितने का आया -3. गॉट इट? तो सिंगल बेसिस पर, तो सिंगल बेसिस पर जो भी हमें सेटिस्फेक्शन रिसीव होता है कम्युनिटीज का, उसे कहा जाता है क्या? मार्जिनल यूटिलिटी. उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी का नाम देते हैं. समझ आ गया दोस्तों? क्लियर? तो बेसिकली ये क्या है? ये सम है, ये हमने जोड़ दिया. और ये क्या है? ये सिंगल बेसिस पर है, इसको हम सिंगल बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं. गॉट इट और नॉट? डन? क्लियर? आइए इसका डायग्राम और बना लेते हैं. डायग्राम इसका इजी है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. एक्स वाई, इधर आपने ज्यूम करा यूटिलिटी, यहां पर आ जाएगा यूटिलिटी और इधर आ जाएगा क्या आपका यूनिट्स. ओके, अब इसको हम ग्राफ पर कैसे बनाए ध्यान देंगे. टोटल यूटिलिटी टी यू, सबसे पहले कितना है 10, उसके बाद कितना 18, फिर कितना 22, फिर कितना 25. लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है सर, अभी तक बढ़ रहा है. 25 पर पीक तक पहुंचा और उसके बाद फिर फॉल होने लगा, तो यहां पर इस तरीके से फॉल हो गया. ओके, इस तरीके से ये फॉल हो गया. तो यहां पर हमने क्या देखा? ये पॉइंट मैं ले रहा हूं पी, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट. उसके बाद मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, ये इधर आ गया. अच्छा, पी पॉइंट को हम क्या नाम दे सकते हैं? सेचुरेशन पॉइंट. क्या? सेचुरेशन पॉइंट, ये पीक पर है. उसके बाद आगे ध्यान देंगे, आगे ध्यान देंगे. एमयू कैसे ड्रॉ होगा भाई? सबसे पहले टीयू कितना है 10, उस लेवल पर एमयू कितना है वो भी 10 है, दोनों 10 है. इसका मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम. दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे. उसके बाद अगर हम ध्यान दें, अगर हम ध्यान दें, 10, 8, 4, 3 लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है. लगातार क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है. फिर जब हाईएस्ट लेवल है 5 पर 25, तब लेवल कितना है? 0 एमयू का, और उसके बाद वो क्या है? नेगेटिव. बिल्कुल इजी, इस तरीके से बन जाएगा. दैट इज व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी. दैट इज व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी. समझ आया दोस्तों? ये हमारा कंसेप्ट हुआ किसका? एमयू और टीयू का. इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम लिखें, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है. सबसे पहले व्हेन टीयू इंक्रीज, व्हेन टीयू इंक्रीज, जब टीयू इंक्रीज होता है देन एमयू इज फॉलिंग, एमयू फॉल हो रहा है बट पॉजिटिव. बट व्हाट? पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव है, जीरो लाइन से ऊपर है, नेगेटिव नहीं हुआ. सेकेंड पॉइंट, व्हेन टीयू इज हाईएस्ट, व्हेन टीयू इज हाई, जब टीयू हाईएस्ट है देन एमयू इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, जब टीयू राइज हो रहा था एमयू फॉल तो हो रहा था लेकिन जीरो से ऊपर है, मतलब पॉजिटिव था. और जब टीयू हाईएस्ट है, हाईएस्ट वैल्यू पर है, तब एमयू कितना हो गया है? जीरो है. एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हेन टीयू इज फॉलिंग, जब टीयू फॉल हो रहा है एमयू बिकम जीरो, एमयू बिकम जीरो, सॉरी 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 सॉरी, एमयू बिकम नेगेटिव, एमयू बिकम नेगेटिव. ठीक है, तो बेसिकली जब आप देख रहे हैं कि टीयू फॉल होने लग गया है, उस टाइम पर एमयू का लेवल क्या है? एमयू का लेवल क्या है आपका? नेगेटिव हो गया. कोई डाउट इसमें दोस्तों? क्लियर? डन? यहां पर ही हमने कंप्लीट करा. नोट कर लीजिए इसको फटाफट से, उसके बाद चैप्टर की अगली हेडिंग पर जाते हैं. नोट कर लीजिए. डन? अगर कोई चीज छूट जाती है नोट करने के लिए तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप उसको कंप्लीट करें. ठीक है, नोट्स कंप्लीट होने चाहिए. चलिए इसको हटा देते हैं. ये रिलेशनशिप कंप्लीट हो गई हमारी किसकी? टीयू की और एमयू की, टोटल यूटिलिटी की और मार्जिनल यूटिलिटी की. ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ा जाए, अगली हेडिंग पर हम आते हैं. अगली हेडिंग है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, इसको हम इन शॉर्ट आगे डीएमयू कहा करेंगे. ठीक है, डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू. ओके, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? है क्या, मतलब क्या है इसका? ध्यान देंगे भाई. देखो, मार्जिनल यूटिलिटी का जो टॉपिक है एमयू, वो अभी अभी हमने डिस्कस करा है. व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? जो भी चेंज होता है टीयू में, सिंगल बेसिस पर जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है, एक यूनिट कंज्यूम करने से, सिर्फ पहली से, सिर्फ दूसरी से, सिर्फ तीसरी से, सिंगल बेसिस पर जो भी सेटिस्फेक्शन मिला, हम उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. उसके साथ मैंने एक वर्ड लगा दिया, क्या? डिमिनिशिंग. डिमिनिशिंग का मतलब कम होना,
कम होना मतलब भाई सीधी सी बात है, डिमिनिशिंग एमयू का मतलब क्या निकल के आया, एमयू का कम होते रहना। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं दोस्तों, अगर हम कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं, भूख लग रही है खाना खा रहे हैं, प्यास लग रहा है पानी पी रहे हैं, तो वहां पर जो हमें सेटिस्फेक्शन रिसीव होता है, जो हमें सेटिस्फेक्शन रिसीव होता है, उसका लेवल लगातार हमेशा क्या होता है, फॉल होता है। उसका लेवल हमेशा क्या होता है, फॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई भी चीज कंज्यूम करी, फॉर एग्जाम्पल जैसे भाई आप चपाती खा रहे हो, जैसे एग्जाम्पल हमारा था कि आप कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हो, आपको भूख लगी है, तो एक चपाती खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, चौथी खाई, चार चपाती खाने के बाद आपका जो कंजम्पशन है वो पूरा हो गया। इस केस में सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको किस चपाती से मिला, सबसे पहले वाली से, दूसरी से और कम मिला, तीसरी से और कम मिला, फोर्थ से और कम मिला, कम होता जाता है। इसलिए एक लेवल के बाद जो हमारा कंजम्पशन है वो रुक जाता है। हमारा कंजम्पशन क्या है, रुक जाता है। भाई प्यास लग रही, पानी पी रहे हैं, एक गिलास पानी पिया, दो पिया, तीन पिया, तीन के बाद हमारी जो नीड है वो पूरी हो गई, प्यास पूरी मिट गई। अब सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिला होगा, आपको डेफिनेटली पहली पहले ग्लास से मिला होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी भी चीज को कंज्यूम करते रहते हैं, तो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो लगातार यूनिट बाय यूनिट क्या होगा, कम होता जाएगा। और ऐसा जरूर होता है कि अगर हम किसी भी चीज को कंज्यूम करें तो सेटिस्फेक्शन लगातार कम होगा। अगर ऐसा ना हो तो शादियों में खाना फ्री मिलता है, आप जब समझ सकते हो क्या होगा, ठीक है, लोग खाते रहेंगे लेकिन कभी सेटिस्फेक्शन पूरा नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे यूनिट्स को हम कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। आइए डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। इसका मतलब यही हुआ, लॉ ऑफ डीएमयू states that when we consume more and more units of a commodity, then satisfaction derived from each successive, या each additional better रहेगा, each additional unit is always less than the unit consumed before. Is always less than the unit consumed before. Clear? Got it? समझ आ गया? Repeat कर देता हूँ. Law of DMU states that when we consume more and more units of a commodity, then satisfaction derived from each additional unit is always less than the unit consumed before. जैसे जैसे आप consumption करते जा रहे हैं तो हर अगली unit से आपको मिलने वाला satisfaction पहले वाले से क्या होगा, कम होगा, पहले वाले से क्या होगा, कम होगा. Clear? समझ आ गया? That is the meaning of what? Law of diminishing marginal utility. अगली heading, exceptions. सर हैं एक्सेप्शन, ये कहां से आ गई? बिल्कुल, मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे हम यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन कम होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहां पर हमें ये चीज देखने को नहीं मिलती। वो केस कौन कौन से हैं, वो एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं, जरा वो समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इन केस ऑफ हैबिचुअल गुड्स सर इसका मतलब क्या, व्हाट इज हैबिचुअल गुड्स? भाई हैबिचुअल गुड्स के केस में लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता। कैसे? फॉर एग्जांपल, भाई कभी सिगरेट पिए क्या? हाँ, बोलो हैं? नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, दूर रहिए उससे। भाई जैसे अगर हम बात करें हैबिचुअल गुड्स की, काइंड ऑफ एल्कोहल कंजम्पशन, काइंड ऑफ टोबैको कंजम्पशन, ठीक है, इवन वो उन्हें क्यों बदनाम कर रहे हो भाई, सीधी सी बात है, भाई आपको भी किसी चीज की हैबिट हो, काइंड ऑफ चॉकलेट खाने का शौक है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता। भाई मान लीजिए बहुत दिन हो गए आपको, आपने चॉकलेट नहीं खाई, आप शॉप पर गए, आपने एक चॉकलेट खाई, वो कहीं गले में रहेगी, पता ही नहीं चला उसका, तो एक और खाई, तीसरी खाई, चौथी खाई, तब जाके लगा कि हाँ हमें कुछ रिसीव हुआ, हमें कुछ मजा सा आया।
तो इस सिचुएशन में जो सेटिस्फेक्शन था वो बाद वाली यूनिट्स का क्या था, ज्यादा था, पहले वाली का कम था। ऐसे जो टबैको कंजम्पशन करने वाले, सिगरेट पीने वाले हैं, वो एक के बाद एक कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं। क्यों? उनका जो सेटिस्फेक्शन है वो बाद में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अल्कोहल कंजम्पशन हो गया। कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है, आपको अच्छी लगती है खानी, उसमें जब आप उसका कंजम्पशन ज़्यादा करते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है, राइट? तो इन केस ऑफ हैबिचुअल गुड्स लॉ ऑफ DMU अप्लाई नहीं होता। हाँ, बाद में जाके ऑब्वियसली कंजम्पशन कम होता है, एक्सेस हो जाता है, लेकिन अर्ली स्टेज में, स्टार्टिंग की स्टेज में लॉ ऑफ DMU देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। बी पॉइंट इसमें क्या आता है, when unit size is not standard, when unit size is what not standard, जब unit size standard नहीं है। भाई आपको भूख लगी है, आपने खाना खाया, प्यास लगी है, पानी पिया। अब जो मान लो प्यास लगी है, आप पानी पी रहे हो, कैसे पियोगे? सर ऑब्वियसली गिलास से पियेंगे, ठीक है, सेटिस्फेक्शन मेजर होगा। लेकिन अगर चम्मच से पियोगे तो मेजर कर पाओगे? डेफिनेटली नहीं। भूख लगी है, राइस खा रहे हैं, एक बाउल राइस खाया तो सेटिस्फेक्शन मिला तो आप मेजर कर सकते हो। एक सिंगल राइस अगर खाओगे, क्या सेटिस्फेक्शन मेजर कर पाओगे? नहीं। एक पूरी चपाती से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो एज्यूम होगा, वो आप मेजर कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली बात है, हर एक बाइट से, हर एक टुकड़े से जो सेटिस्फेक्शन मिला वो काउंट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जब भी आप कंजम्पशन कर रहे हैं तो जो यूनिट साइज है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर यूनिट साइज स्टैंडर्ड नहीं है तो आप लॉ ऑफ DMU अप्लाई नहीं कर सकते। एंड द नेक्स्ट केस इज व्हाट, व्हेन कंजम्पशन इज नॉट रेगुलर या नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये लिख सकते हैं, एक चपाती अभी खाई, एक खाई 2 घंटे बाद, एक खाई 3 घंटे बाद, भाई सेटिस्फेक्शन मेजर नहीं होगा। आपको अगर सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी मेजर करना है तो कंजम्पशन रेगुलर होना चाहिए, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। भाई अगर आप चपाती खा रहे हो, एक खाई कंटिन्यूअसली, एक और खाई, पानी पिया, एक गिलास अभी पिया, एक नेक्स्ट इमीडिएटली उसके बाद पिया, तो आप यूटिलिटी मेजर कर पाओगे, तो लॉ ऑफ DMU अप्लाई हो पाएगा। लेकिन अगर एक चपाती अब खा रहे हो, एक 2 घंटे बाद, एक 3 घंटे बाद, तो ऑब्वियसली बात है उस सिचुएशन में लॉ ऑफ DMU अप्लाई नहीं हो सकता है। क्लियर दोस्तों? दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम रिपीट कर लेते हैं, आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डिटर्मिनेशन शुरू होगी। आज हमने क्या सीखा दोस्तों, आज हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मीनिंग का पता लगाया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम मेजर कैसे करते हैं वो हमने देखा, और उसके बाद फिर उसको जो रिलेशनशिप है TUMU की वो हमने फिनिश करी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है, दैट इज व्हाट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो प्लीज इन टॉपिक्स को रिवाइज करिएगा, नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है, उसमें हम क्या करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अभी तक हमने मीनिंग सीखी है, ओके, डिटरमाइन कैसे होता है वो नहीं सीखा है, वो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।